इस सदी के महानायक, बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय अभिनेता, भारतीय सिनेमा जगत में जिनका कोई सानी नहीं, ऐसे सफलतम व्यक्तित्व का जीवन भी संघर्षों से भरा रहा है। अमिताभ बच्चन ने आज जो मुकाम हासिल किया है, वह न जाने कितने उतार चढ़ाव, सफलता असफलता के दौर से गुजरने के बाद हासिल किया है। अमिताभ बच्चन ने अपना करियर कोलकाता की एक शिपिंग कंपनी में नौकरी करने से शुरू किया था। उन्होंने एक बार एक रेडियो सेवा में बतौर समाचार वाचक की नौकरी चाही थी, लेकिन उनकी आवाज को उपयुक्त नहीं माना गया। वे संघर्ष के दिनों में 7 वर्ष तक प्रसिद्ध हास्य अभिनेता महमूद साहब के निवास पर रहे। उन्होंने राजनीति में भी अपना दांव आजमाया, सांसद भी चुने गए, लेकिन राजनीति उन्हें रास नहीं आई और बीच में ही त्याग पत्र देकर पुनः सिनेमा जगत में भाग्य अजमाने लगे। बोफोर्स विवाद में भी इनका नाम घसीटा गया, जिसके लिए उन्हें अदालत जाना पड़ा, लेकिन अंततः उन्हें निर्दोष माना गया। अमिताभ बच्चन ने वर्ष 1996 में ABCL अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की। ABCL ने कुछ फिल्में बनाई, लेकिन वे फ्लॉप रहीं। ABCL ने वर्ष 1997 में बेंगलोर में आयोजित 1996 की मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता 1996 मिस वर्ल्ड ब्यूटी पैजेंट का आयोजन किया, लेकिन खराब प्रबंधन के कारण इसे करोड़ों रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। वर्ष 1997 में यह वित्तीय एवं क्रियाशील दोनों तरीकों से ध्वस्त हो गई। कंपनी प्रशासन के हाथ में चली गई और बाद में इस भारतीय उद्योग मंडल द्वारा असफल करार दे दिया गया। इसके बाद कौन बनेगा करोड़पति KTV प्रोग्राम का एंकर बनकर अमिताभ बच्चन ने पुनः अपनी साख जमाए। इस कार्यक्रम की सफलता से उन्हें एवं उनके परिवार को नैतिक एवं आर्थिक संबल मिला और पुनः सफलता के द्वार खुल गए। हर विषम परिस्थितियों को साहसपूर्वक और धैर्यपूर्वक झेलते हुए अमिताभ बच्चन ने कभी अपना आत्मविश्वास नहीं खोया। बच्चन लगातार संघर्षरत रहते हुए आज सफलता की उन ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं, जहां पहुंचने की कल्पना शायद उन्होंने स्वयं भी नहीं की होगी।